जब चरागों की हिफाजत हो आंधियों के हवाले, जब चरागों की हिफाजत हो आंधियों के हवाले, फिर किस तरह कोई लौ जला ले, फिर किस तरह हो उजाले, फिर किस तरह कोई लौ जला ले, फिर किस तरह हो उजाले। नमस्कार, आज मैं आपको धर्मेंद्र सिंह की कुछ शेर सुनाने वाला हूँ। दूसरी शेर है कि जब औरत की इज्जत के रखवाले, जब औरत की इज्जत के रखवाले खुद लगे बनाने उसे अपनी हवस के निवाले, जब औरत की इज्जत के रखवाले खुद लगे बनाने उसे अपनी हवस के निवाले, फिर किस तरह कोई अबला खुद को संभाले, फिर किस तरह कोई अबला खुद को संभाले और अपनी आबरू बचा ले। जब औरत की इज्जत के रखवाले खुद लगे बनाने उसे अपनी हवस के निवाले, फिर किस तरह कोई अबला खुद को संभाले अपनी आबरू बचा ले। जब भेड़िए ही बने हो मेमनों के जिंदगी के रखवाले, जब भेड़िए ही बने हो मेमनों के जिंदगी के रखवाले, फिर मेमना कौन सी तरकीब निकाले और अपनी जान बचा ले। जब भेड़िए ही बने हो मेमनों के जिंदगी के रखवाले, फिर मेमना कौन सी तरकीब निकाले और अपनी जान बचा ले। जब रोग कोई असाध्य बना हो, जब रोग कोई असाध्य बना हो और इलाज रोग में बाध्य बना हो, जब रोग कोई असाध्य बना हो और इलाज रोग में बाध्य बना हो, फिर ऐसे हालात में रोगी कोई दवा ले, ऐसे हालात में रोगी कोई दवा ले या सिर्फ रब की दुआ ले। तो फिर ऐसे हालात में रोगी कोई दवा ले या सिर्फ रब की दुआ ले। थैंक यू सो मच। एक कामयाब इंसान की कामयाबी को हर कोई कॉपी करता है, लेकिन उसने जो कामयाबी की कोहिनूर हासिल करने के लिए सूरज चांद का घोल बनाकर सालों साल पिया था, प्रेम को समझने के लिए सिर्फ प्रेम कहानियां और कविताएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है माँ को चाय में चीनी कम डालते हुए और पापा को उनकी चाय की तारीफ करते हुए मैंने देखा है। इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा हर रोज सिर्फ एडिक्टेड अड्डा पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।